हेलो एवरीवन, मैं सनी गोस्वामी स्वागत करता हूं आपका थ्री लेयर स्टडी में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले मध्य प्रदेश राजस्व निरीक्षक भर्ती 2020 के बारे में। जी हां दोस्तों, इसके पद बताए जा रहे हैं 372 और जल्द ही इसका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। तो हम आज इस पर संपूर्ण जानकारी आपको देंगे, साथ ही सिलेबस पर भी डिस्कशन करेंगे कि क्या क्या आपको पढ़ना है और कैसे इसकी तैयारी करनी है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। अगर हम बात करें यह किस विभाग के अंतर्गत आती है, तो यह इसमें विभिन्न प्रकार के पद होते हैं जिसमें सहायक ग्रेड 3 स्टेनोग्राफर, स्टेनोटाइपिस्ट, सहायक एवं राजस्व निरीक्षक जैसे पद आपको इस वैकेंसी में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगा वो मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मतलब PAV द्वारा कराए जाएंगे और नौकरी का स्थान मध्य प्रदेश और इसकी जो चयन प्रक्रिया होती है वह लिखित परीक्षा के साथ होती है। दोस्तों अगर हम इसके सिलेबस की बात करें कि इसमें हमें पढ़ना क्या क्या है और कैसा एग्ज़ाम आता है, तो दोस्तों परीक्षा का जो प्रकार होता है वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र होता है जिसमें 5 सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें सामान्य ज्ञान जो कि जनरल नॉलेज होता है, सामान्य हिंदी जो हिंदी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, गणित, तर्क शक्ति और कंप्यूटर ज्ञान, मतलब कि इसमें 5 सब्जेक्ट होंगे और जो टोटल पेपर होगा वो 100 नंबर का होगा। ये जो वैकेंसी है इसमें काफ़ी अच्छी वैकेंसी और काफ़ी अच्छी पोस्ट देखने को आपको मिल सकती है। दोस्तों अगर हम इसके सिलेबस की बात करें तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि सिलेबस से ही सिलेक्शन होते हैं। जी हाँ दोस्तों, बिना सिलेबस के अगर हम तैयारी करते हैं तो वो ऐसा है कि बिना रास्तों के अपने मंजिल तक जाना। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पर सामान्य ज्ञान की बात करें तो इन्होंने भारतीय संविधान, सिंचाई की योजना, मध्य प्रदेश की प्रमुख हस्तियाँ, वैज्ञानिक अनुसंधान, खेल, भूगोल, संस्कृति, इतिहास, आर्थिक विज्ञान, मध्य प्रदेश का मुख्य सामान्य ज्ञान, सामान्य नीति, प्रमुख नदियाँ, प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान जैसे यदि सामान्य ज्ञान में पूछे जाते हैं। साथ ही यहां पर आपको करंट अफेयर भी अब देखने को मिलता है। तो PAV का जो करंट अफेयर है उसमें सिर्फ MP के ही करंट अफेयर पूछे जाते हैं। आगे बात करें तो गणित के अगर प्रश्न पत्र की बात करें, जैसे कि गणित विषय से कैसे क्वेश्चन आएंगे या किस पाठ्यक्रम से हमें लेना है, तो अनुक्रम, बहुपद, सरलीकरण, निर्देशांक, ज्यामिति, त्रिकोणमिति, चक्रवृद्धि ब्याज, कार्य समय, सरलीकरण, दशमलव, प्रतिशत, लघुगणक, सरल संख्या प्रणाली और युगों पर समस्या, डाटा पर्याप्त, समय और कार्य, लाभ और हानि और अंश वाले क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों अगर हम आगे सिलेबस में अंग्रेजी की बात करें, इंग्लिश की बात करें, क्योंकि इसमें इंग्लिश पूछा जाता है, तो बर्तनी का पता लगाना, एक शब्द प्रतिस्थापन, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से वाक्य का सुधार, एक मार्ग में वाक्यों का फेर और बोध मार्ग, समानार्थी एवं पर्यावाची शब्द, क्लोज पेसेज, मुहावरे और वाक्यांश, खाली जगह भरे, मतलब कि जो खाली जगह भरने के लिए होते हैं उस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, विलोम शब्द, क्रियाओं की सक्रिय निष्क्रिय आवाज़ इत्यादि। अगर हम रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में चित्र श्रृंखला, न्याय, रैंकिंग और समय क्रम, कथन और धारणाएँ, बैठक व्यवस्था, रक्त संबंध, निर्णय लेना, दिशाबोध परीक्षण, पहेली, शब्द गठन, संख्या, संख्या, कारण और प्रभाव, वर्गीकरण, श्रृंखला, समानता, कथन और निष्कर्ष, श्रृंखला परीक्षण, इनपुट आउटपुट, कोडिंग डिकोडिंग, वर्णमाला श्रृंखला, अभिकथन और तर्क शक्ति जैसे आपको टॉपिक मिलेंगे। आगे बात करें आगे सिलेबस में, तो दोस्तों इसमें जो कंप्यूटर है उससे भी क्वेश्चन बनते हैं, मतलब कि कंप्यूटर भी इसमें पूछा जाता है। तो इसमें जो कंप्यूटर का नॉलेज है वह तो पूछा ही जाता है, साथ ही प्रस्तुत ज्ञान, स्प्रेडशीट मतलब कि MS Excel से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, वर्ड से MS Word से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, विंडोज से MS Office, नेटवर्किंग धारणाएँ, अवधारणाएँ और कंप्यूटर फंडामेंटल जैसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप इस एग्ज़ाम के लिए और अच्छे से तैयारी करना चाहते हो तो आप PV की साइट पर जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर है वह देख सकते हैं, क्योंकि इसका जो पेपर है काफ़ी सरल होता है, लेकिन यह एग्ज़ाम को देखें तो इसमें जो सबसे कठिन चीज़ें आती है वो होती है हमारी जो मैथ्स में
एडवांस मैथ्स होता है वह काफ़ी डीपली और कठिन पूछा जाता है। तो बेसिकली इसका जो पेपर होता है वह एवरेज होता है। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक कर जरूर जाएं, और जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं एग्ज़ाम से रिलेटिव सारी इन्फॉर्मेशंस और स्टडी से रिलेटिव सारी इन्फॉर्मेशंस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचाता रहता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।